हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। हम आपके लिए लाए हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाली है पुलिस भर्तियां जो कि हैं 41,520। जी हाँ दोस्तों, 41,520 भर्तियां उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा निकाली गई हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे आरक्षी नागरिक पुलिस में जो भर्तियां निकाली गई हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए है 11,761 और अन्य ओबीसी के लिए है 6,350, एससी के लिए 4,939 और एसटी के लिए 470, जो कि टोटल है 23,520 भर्तियां। और जो आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी है उसमें जनरल की 9,000, ओबीसी की 4,860, एससी की 3,780 और एसटी की 360, टोटल 18,000 वैकेंसी है। तो दोस्तों, जिसके ऑनलाइन आवेदन करने की जो तारीख तय की गई है उसके प्रारंभ होने की तिथि जो है वो 22 जनवरी 2018 है और आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 22 फरवरी 2018 है। आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 23 फरवरी 2018 है। दोस्तों, आवेदन शुल्क जो है इस भर्ती के लिए वो ₹400 रखा गया है, जिसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जमा करा सकते हैं। आयु जो है इसके अंदर, उसमें आयु आपकी 18 वर्ष की आपकी आयु प्राप्त हो जानी चाहिए, जो कि काउंट होगी 1 जुलाई 2018 तक, और 22 वर्ष की आपकी आयु प्राप्त नहीं होनी चाहिए। मतलब अभ्यर्थी का जो जन्म है वो 2 जुलाई 1996 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2000 के बाद का होना चाहिए, जबकि महिला जो कैंडिडेट है उनके लिए 1 जुलाई 2018 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए और जबकि 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1993 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2000 के बाद ही होना चाहिए। दोस्तों, तो बात करते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कि एजुकेशन में उसके 12वीं के पास होना चाहिए या उसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। दोस्तों, जो इस भर्ती प्रक्रिया में जो लिखित परीक्षा होगी वो आपके 300 अंकों की होगी, जिसमें आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी एवं संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता के क्वेश्चंस होंगे और गलत उत्तर के लिए इसमें भी माइनस मार्किंग आपकी होगी, जिसका पाठ्यक्रम वेबसाइट पर है और हमने लिंक में भी दिया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर भी इसके जो पाठ्यक्रम है उसको देख सकते हैं। दोस्तों, जो इस भर्ती की फिजिकल रिक्वायरमेंट है उसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई जो है वो इसमें जनरल कैटेगरी, ओबीसी एंड एससी कैटेगरी के लिए जो न्यूनतम जो हाइट रखी गई है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो सीना है वो आपका न्यूनतम जो है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी कैंडिडेट के लिए यही चीज 77 सेंटीमीटर है बिना फुलाए और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो ये हाइट रखी गई है वो 152 रखी गई है, जो कि जनरल ओबीसी एंड एससी के लिए है और एसटी कैंडिडेट के लिए 147 की आपकी हाइट होनी चाहिए और इसमें जो वजन है वो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए। दोस्तों, इसमें जो दौड़ रखी गई है उसमें पुरुष अभ्यर्थियों के द्वारा 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी, जो कि अधिकतम आपको 25 मिनट में करनी होगी और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की होगी, जो कि आपको 14 मिनट में पूरी करनी होगी। तो दोस्तों, अगर आप ये भर्ती को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप http://prpb.gov.in पर जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अभी ये भर्ती चालू नहीं हुई है, इसकी जो चालू होने की डेट है वो है आपकी 22 जनवरी 2018 और आवेदन करने की तिथि है 22 फरवरी 2018 है। अब हम देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में। दोस्तों, इसका जो एग्जाम है वो 300 नंबरों का होगा, जिसे बांटा गया है सामान्य ज्ञान सामान्य विषय के लिए, जिसमें 150 अंक का होगा। तार्किक क्षमता आपकी 75 नंबर की होगी और अंकिंग क्षमता जो है वो भी 75 की होगी। तो टोटल पेपर होगा आपका वो 300 नंबर्स का होगा। इसका जो फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, सामान्य ज्ञान सामान्य विषय मीन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, उसका आपके सामने है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख सकते हैं, जो हमने इसको लिंक में भी दिया है। उसके अलावा जो सेकंड है इसमें जो पार्ट है वो है रीजनिंग एबिलिटी का, जिसमें रीजनिंग की सारे जो चैप्टर्स इसमें कवर किए हुए हैं। और इसके बाद जो लास्ट है उसका जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी मींस आंकिक क्षमता का, उसमें आपके सारे क्वेश्चन आएंगे जो कि मैथ फर्स्ट के आते हैं, क्योंकि सेकंड मैथ इसमें नहीं आती है। तो दोस्तों, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप 22 जनवरी 2018 तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की जानकारी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, जिसपे आप लिंक पर जाकर भी इनको चेक आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे थे A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।